वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिसल पर आपका स्वागत है बच्चों आपकी हालत बिल्कुल इस बच्चे जैसी हो रही होगी ठीक है क्योंकि अब आपको बस आपके पास कुछ चंद घंटे बाकी हैं और कल आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट दिन, द डी डे कल आने वाला है कुछ घंटे बाकी हैं और मुझे मालूम है कि हालत कुछ ऐसे ही होती है बच्चों लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल पेशेंस रख के पढ़ाई करनी है लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल पेशेंस लूज़ नहीं करनी है जल्दी से सारे स्टूडेंट्स जुड़ते जाएं बेटा डर लगने की बात नहीं है पल्लवी प्रभाकर आमिर खान आदित्य राज क्रिस्टन मैथ्यू अनुपम घोष लक्ष्मी और तमाम स्टूडेंट सूरज द्विवेदी बेटा बहुत बहुत, बहुत ब्लेसिंग सृष्टि कुमारी नीट एस्पिरेंट डॉक्टर मिताली राज चलिए बच्चे घबराना नहीं है मैं बार बार बोल रहा हूँ आपने जितनी तैयारी करी है वो बिल्कुल सफिशियंट है आप ऐसे मान के चलो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो भगवान पे भरोसा रखो बच्चे सब कुछ अच्छा होगा सब अच्छा होगा उसमें कुछ गलत नहीं होगा सिर्फ आपको पेशेंस रख के एकदम फोकस के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है इट इज अ थ्री आवर गेम तीन घंटे में जिसने पेशेंस रखी वो जीत जाएगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है बेटा पेट में गुड़ गुड़ हो रही है गुड आफ्टरनून बच्चे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सब बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप बहुत अच्छा करेंगे मुझे मालूम है क्योंकि आपने खूब मेहनत करी बेटा ऐसे घबराना नहीं है ठीक है तो आज हम क्या करने वाले हैं दिस इज द डे बिफोर द एग्जामिनेशन और हम क्या करने वाले हैं आज क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे तो देखो बेटा क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है ऐसा मत सोचना कि यार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो डीमोटिवेट हो जाना मैंने आपको बोला था ये सेमीफाइनल है कल फाइनल है कल जो है बेटा आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो उसके अफसोस मनाना अभी कोई अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है पानी भी नहीं जा रहा है पेट में जाएगा बच्चे बिल्कुल पेशेंस रख के इल्क इतमान से आराम से सो जाना जल्दी ठीक है लाइट खाना खाना बिल्कुल आराम से सो जाना रात को देर तक मत जागना जो क्वेश्चन में सर डिस्कस करने हैं वो कर लो माय नेम इज डॉक्टर गगन वोरा और पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं बॉटनी और जूलॉजी बहुत सालों से और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिंगल डिजिट रैंक लाने में मैंने मदद करी है आई होप कि कल आपका भी ऐसा ही कुछ रैंक आए तोड़फोड़ परफॉर्मेंस आए छप्पर फाड़ के परफॉर्मेंस आए ठीक है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने हेड किया है और अब आपके सामने ऑनलाइन हूं बेटा ज्यादा आज हम डिस्कशन इन चीज़ों पर नहीं करेंगे आप मुझे जानते हो अच्छी तरह से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर दो अगर कोई नया स्टूडेंट है और उसे इंस्टॉल कर दो इंस्टॉल करने का क्या फायदा होगा इंस्टॉल करने का फायदा आपको ये होगा बच्चे कि आप प्लस पे आ सकते हैं प्लस पे मेरा रैंक आ प्लस पे मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ स्वप्नदीप मोहंती क्या करें अन अकेडमी प्लस स्टूडेंट का रैंक 14 अच्छा बेटा ठीक है चलिए बच्चे पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल मिलेगी आज बिल्कुल इमीडिएटली बात डाल दूंगा आई विल अपलोड दिस लेक्चर इमीडिएटली आफ्टर इट जैसे ही खत्म होगा मैं इसको अपलोड कर दूंगा सो so दैट आपका जो है टाइम बिल्कुल बहुत कीमती है बेटा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको पता है कि प्लस पे जाने के बाद जो है आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने का मौका होता है ये सारी सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हैं लास्ट की दो सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है राम राम बच्चे राम राम कल वाला पीडीएफ नहीं मिला बिल्कुल अभी डाल देंगे ठीक है बच्चे एक बात ये और दूसरी बात ये कि अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे ये रहा मेरा रेफरल कोड ठीक है जी ए जी ए एन तो आपके पास ये फीस आती है टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हैं चलिए बेटा देखो मेरी बात समझो डर जो लग रहा है वो डर लगना लाजमी है अगर मेरी बातों से आपका डर गायब हो जाए तो वैसा दो मिनट के लिए होगा क्योंकि जैसी सेशन खत्म होगा ना फिर आपको डर लगना शुरू हो जाएगा ये डर लगना बिल्कुल लाजमी है सबको डर लगता है बेटा लेकिन आप ये सोचो कि जब डर लगता है मैंने पहले भी बोला नर्वसनेस अगर होती है तो आपकी परफॉर्मेंस पीक पे चली जाती है अपने आपको पेशेंस पेशेंस में रखो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखो बेटा जो बच्चा मेंटली बैलेंस रखेगा अपने आपको उसका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा आप सब बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो जो भी जस्ट नीट पर पढ़ रहे हैं ठीक है तो बच्चे जो भी जस्ट नीट पे पढ़ रहे हैं वो इतने दो महीने से मेरे साथ पढ़ रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया आपने खूब मेहनत करी है तो आप अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखो आओ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डिस्कस करेंगे ना अपने आप डर गायब हो जाएगा आप क्वेश्चन में उलझ जाओगे चलो आपके सामने पहला क्वेश्चन है बेटा गुड आफ्टरनून एंड वेलकम इग्नू अपडेट संदीप मिश्रा सिंपथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा टेंशन मत करो ऐसे ही एग्जाम में करना जब आप क्वेश्चंस पे फोकस करना शुरू करोगे तो अपने आप चीजें खत्म हो जाएंगी चलो जी पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा

और यहां पर मैंने लार्ज स्टार्ज ग्रेन रखा है तो बेटा जब इंटरमीडिएट से लार्ज कैसे आ जाएगा इट इज नॉट पॉसिबल इंटरमीडिएट से लार्ज कैसे आ जाएगा नहीं पॉसिबल है बच्चे करेक्ट आंसर डी है देखो ना इंटरमीडिएट से ये आपका टेस्ट क्रॉस है ये आपका टेस्ट क्रॉस है दिस इज जस्ट लाइक अ टेस्ट क्रॉस यू कैन अंडरस्टैंड टेस्ट क्रॉस है तो आपके पास ये एमिट बनेंगे ए बी ए स्मॉल बी ए कैपिटल बी ए स्मॉल बी तो जब आप इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन लेके चल रहे हो तो हाउ कुड इट बी लॉन्ग स्टार्च ग्रेन लंबे कैसे आ सकते हैं ठीक है चलो मेरी बात समझ में आई चार नंबर सही हो गए अपने अपने क्वेश्चंस काउंट करते रहना लेकिन एक और बात बोल रहा हूं क्वेश्चन गलत होंगे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना घबराना नहीं है लास्ट मोमेंट पे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको फायदा पहुंचा दे देखिए सेकंड इन द मसल्स इन द एनिमल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन लेकिन एसिड इज फॉर्म इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया पारेट इज रिड्यूस्ड बाय बाय बाईलेक्टेडेड डी कारबोक्सिलेस एन एडियन प्लस एच प्लस इज रिड्यूस टू एनडी प्लस रिड्यूसो देखो ना इंटरमीडिएट से जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे बहुत सारे लोग ए लिख रहे हैं अच्छा ठीक है देखते हैं हम्म विजय फिजिक्स आंसर को देखो बेटा आंसर आंसर को बहुत प्रॉपरली देखो मतलब आंसर को मतलब क्वेश्चंस को ऑप्शंस को ऑप्शंस को बहुत ढंग से देखेंगे ऑप्शंस को बहुत ढंग से देखेंगे तभी आंसर आपके पास आएगा देखो हैं जी लक्ष्मी जी भी आंसर लगा रहे हैं सूरज भी भी आंसर लगा रहे हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों मेरे झलास्टिक बच्चों मेरे जलास्टिक बच्चों यह है इलेक्ट्रिक डी कार्बोक्सिलेस ये डी कार्बोक्सिलेस है तो डी कार्बोक्सिलेस कैसे हो सकता है बेटा लेक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेस होता है पहला पॉइंट तो ये है. तो ये तो आपकी चॉइस ही गलत हो गई लैक्टिक एसिड साइटोप्लाज्म में बनता माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनता माइटोकॉन्ड्रिया में बनने का कोई चांस ही नहीं है माइटो में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है यहां रिड्यूस लिखा है ऑक्सीडाइज होना चाहिए तो फोर्थ आंसर बेस्ट आंसर बनेगा ध्यान से देखो बेटा ध्यान से ध्यान से देखो ध्यान से डी कैसे बना पारिक एसिड बेटा लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस लैक्टाई से कन्वर्ट हो सकती है किसी मसल्स में भी और किसी और जगह पर भी किसी बैक्टीरियम में भी हो सकती है ठीक है यहां पर आपको लिखा है सेलुलर रेस्पिरेशन के हिसाब से बताना है ठीक है ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होगा तो फोर्थ ऑप्शन सबसे बढ़िया बन रहा है आप देखो ना लेक्टिक एसिड माइटोकॉन्ट्रिया में तो बनता नहीं है ठीक है बेटा लेक्टोबेलस में होमोफर्मेंटेशन होती है यीस्ट में हेट्रोफर्मेंटेशन होती है यीस्ट की जब आप बात करते हैं सेक्रोमाइसिस सर्विसेज तो वहां पर फर्मेंटेशन होती है घबराए नहीं घबराने से गलत हो रहे हैं और कोई बात नहीं है फर्मेंटेशन जो होते हैं अब बेटा इजी है विजय फिजिक्स कोई दिक्कत नहीं है हेट्रोफर्मेंटेशन में क्या होता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारी बॉडी में या लैक्टिक एसिड जो बेसिलस होते हैं उनमें कभी भी होमोफर्मेंटे हेट्रोफर्मेंटेशन नहीं हो सकती है चलिए ओके डन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन चलो आसान अरे यार मैं तो आंसर ही दे दिया आंसर दे दिया बेटा छोड़ दू इस क्वेश्चन को आंसर आ, आंसर क्लिक हो गया आपके साथ साथ मैं भी घबरा के आंसर मैंने क्लिक कर दिया है थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है? देख सकते हैं आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट न्यूसोलस एम्बरियस एक्ट के साथ होता है ये सब गलत है ये सब गलत है ये सब गलत है ठीक है, ये सब गलत है चलो थर्ड को छोड़ देते हैं स्किप कर देते हैं अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मस्ट बी एक्सपोज्ड to the light for a period less than critical duration before the flowering initiated in them. Vijay physics everybody I am I am giving blessings and good wishes to everybody not only you sabko sabko bahut bahut best wishes hai अमिता Aap acha karoge sare. fourth question का answer देंगे इसमें आपको क्या सोचना है आपको क्या सोचना है it must be exposed to the light for a period less than the critical period critical durations हैं जब हम कम light देते हैं जब हम क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट देते हैं तो उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं तो शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल क्या है टबैको ये बेटा करेक्ट 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 करे करेक्ट टबैको इज ऑफ शॉर्ट डे प्लांट ठीक है को नहीं है बेटा खीरा खाने का मन कर रहा है बारले भी नहीं है शुगर बीट भी नहीं है इट इज टबैको टबैको जो होता है वो शॉर्ट डे प्लांट है यू हैव टू रिमेंबर दिस ये याद रखना बेटा हायोसाइमस होता है लॉन्ग डे प्लांट ठीक है

जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा श्रद्धा स्पिनच कैरेट लॉन्ग डे प्लांट है हायोसाइमस जिसे हेडमेन कहते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ये बताया था कि जिब्रलिन जो होता है दैट इज अ अब्सटीट्यूट फॉर वर्नलाइजेशन इन लॉन्ग डे प्लांट यस बच्चे करेक्ट करेक्ट करेक, रजत त्रिपाठी बेटा ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो सी डी टू सी सी डी सी टू काइनेस है सी डी सी टू काइनेस है बेटा टू काइनेस है ये जो आपका जो ये वाला है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस होता है

हम अनुपम घोष भी बी लगा रहे हैं साहिना भी बी लगा रहे हैं ऋषिकेश लगा रहे हैं ठीक है यस बेडा करेक्ट आंसर इस बी इट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी आपको पता है एलगी तीन तरह से होते हैं ग्रीन एलगी रेड एलगी और ब्राउन एलगी मतलब ग्रीन एलगी ब्राउन एलगी और रेड एलगी उनमें पिगमेंट्स का डिफरेंस होता है ग्रीन एलगी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए और बी होता है ब्राउन एलगी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए और सी होता है और रेड एलगी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए और डी होता है और टाइप ऑफ स्टोर फूड स्टोर आपको पता है ग्रीन एलगी में स्टार्च होती है ब्राउन एलगी में मैनीटॉल होती है और रेड एलगी में फ्लोरिडीन स्टार्च होती है चलिए करेक्ट 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां चलिए सेवंथ का आंसर लगाएंगे <coughs> सेवंथ का सेवंथ का सेवंथ का सेवंथ का आंसर लगाएंगे अमोक गौतम अनुपम घोष डॉक्टर मिताली राज जल्दी से बेटा फोटो रेस्पिरेशन बी क्विक फास्ट आंसर लगाएंगे इजी है फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल एट हाई लाइट इंटेंसिटीज चलो मैं चुप हो जाता हूं आंसर लगाएं आंसर लगाएंगे क्या क्या आंसर लगा रहे हैं यार यस 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 सेवंथ का क्या आंसर आएगा आपको इसमें सोचना है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है आपको इसमें सोचना है विच इज दी फॉर प्लांट इसमें आपको सोचना है विच इज दी फॉर प्लांट बाकी सारे जो प्लांट्स हैं इनमें से एक सी फॉर प्लांट है सी फॉर प्लांट में फोटो रेस्परेशन नेग्लिजिबल होता है आपको पता है लाइट इंटेंसिटी हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स बन जाते हैं तो मेरे बच्चे आपके पास आंसर आएगा बी मेज होता है बेटा इसका आंसर ये तो आपकी गेहूं है और ये सोयाबीन है और ये यह क्या होता है राइस होता है है बेटा ठीक तो इसका कोई लॉजिक नहीं है सिर्फ सेकेंड आंसर बनेगा फोटो रेस्पिरेशन जो है सी फोर प्लांट्स में या तो नेग्लिजिबल है या एबसेंट है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं बेटा आगे बढ़ जाते हैं करेक्ट 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 ग्लाइसिन मैक्सिन सोयाबीन होता है ग्लाइसिन मैक्स बेटा सोयाबीन चलिए फेबेसी का मेंबर है मैच 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 करेंगे करेंगे क्वेश्चन को करेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एट्थ क्वेश्चन को मैच करेंगे जो एडिशनल बातें बताता जा रहा हूं दिस इज लास्ट लैब दिस इज लास्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन प्लीज नोट इट इन योर एनसीआरटी या बुक में जहां भी आपने नोट्स बनाए उसको नोट कर लेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर एट मैच करेंगे तो देखूंगा भी नहीं मैं नहीं देखूंगा बच्चे आप खुद आंसर लगाएंगे ए आंसर आ रहा yes, है यस बेटा करेक्ट 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 कंपाउंड आई जो होती है आपको मालूम है कंपाउंड आई में क्या होता है मोजाइक विजन होता है गिज़र्ड जो होता है आपको पता है उसमें दांत होते हैं छह कार्टेनस टीथ होते हैं ट्रेकियल सिस्टम जो होता है, वो आपको मालूम है, से है हैं। अगला क्वेश्चन चलो मैच करेंगे मैच द क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन को मैच करेंगे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ जॉइस बिटवीन द बोन्स मैंने जब सेशन लिया था आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का तो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि टाइप ऑफ जॉइंट्स पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है चलो बताओ नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा हम्म राइट 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 जल्दी से लाइक्स बढ़ाओ आखिरी दिन आशीर्वाद चाहिए तो 145 लोग देख रहे हैं ब्यासी लाइक्स जल्दी लाइक करो फटाफट सेशन को सेशन को लाइक करो देखो कितनी सारी ब्लेसिंग्स दूंगा मैं आपको वैसे भी दूंगा मजाक कर रहा हूं बेटा चलिए 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 ठीक है बी आंसर था बेटा बिल्कुल सही बात है स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस एंड एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आर फंक्शन ऑफ जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे फटाफट 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 क्या बोल रहा हूं एंटी इनफ्लामेटरी रिस्पॉन्सिस जल्दी बताएंगे ये सब किससे होता है बेटा ये सब किससे होता है ये बेटा ग्लूको कॉडिकॉय से होता है yes, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से होता है जिसको आप कॉर्टिसोल बोलते हैं तो कॉर्टिसोल का क्या क्या काम होता है कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है लाइपोलाइसिस करता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है ये आपको मालूम है चलिए करेक्ट 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 बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वेरी गुड वेरी 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 गुड 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 आगे चलते हैं आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन डायबिटीज मिलेटस इज प्राइमरली कॉज्ड ड्यू टू कैसे होती है डायबिटीज मिलेटस सबको पता है जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे इलेवंथ क्वेश्चन यस बेटा आई विल शेयर इट

एक्रोमियन ये ए है एक्रोमियन प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होता है एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होता है किस बोन से रिलेटेड होता है एक्रोमियन प्रोसेस इज रिलेटेड टू विच बोन कुनाल सेन इलेवंथ के लिए मैं शुरू कर चुका हूं इलेवंथ के लिए बेटा मैं शुरू कर चुका हूं ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड द कोर्स ऑन स्पेशल क्लासेस और दूसरी बात प्लस पे भी

क्सुअलियर आपके एनसीआरटी में लिखा हुआ हाइपोथल के साथ और इसमें कुछ कुछ सेरिब्रल कॉटेक्स का पोर्शन भी, भी आता है बेटा इसमें कुछ कुछ सेरिब्रल कॉटेक्स का पोर्शन भी आता है सेरिब्रल कॉटेक्स का पोर्शन भी आता है लिम्बिक सिस्टम के साथ लिम्बिक सिस्टम इज ऑफ योर इमोशनल ब्रेन इमोशनल ब्रेन सी आंसर है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे फाइंड दी इनकरेक्ट मैच फाइंड दी इनकरेक्ट मैच इनकरेक्ट मैच को फाइंड करेंगे जल्दी एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा इंटरनल बडिंग पार्थिनोजेनेसिस स्पॉन्जिलास फ्रेगमेंटेशन पॉरीफेरा फाइंड इनकरेक्ट मैच बेटा जल्दी करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर आंसर देंगे गिव मी द ऑफ नंबर यस yes, यस yes, यस yes. श्रद्धा ने सही आंसर दिया है अभी खुशबू में तो सुमित बेटा ध्यान से सोचो ध्यान से सोचो अभ्यास से रिपीट होगा ऐसा नहीं कह सकते बेटा देखो एक बात समझ लो नीट में हर बार क्वेश्चन नए आते हैं कोई रिपीट नहीं होता है ठीक है आपको बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए देखो बच्चे दी करेक्ट आंसर इज पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिसमीडेक्टाइलिस में पार्थिनोजेनेसिस कैसे हो सकती है क्या है है इज योर वॉल वॉल लिजर्ड लिजर्ड ना तो जो घर में लिजर्ड होती है उसे वॉल लिजर्ड कहते हैं तो वहां पर पार्थिनोजेनेसिस नहीं होती बेटा। एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में होती है इंटरनल बडिंग स्पॉन्जिला में होती है और यह पॉफेस में हो सकती है ठीक है। है योर वॉल लिज़र्ड और नॉन पॉइज़नस होती याद रखना कई लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है, कि ये है, है? होती है घर में जो आपकी लिजर्ड होती है अगले 15th male, correct? क्या correct होगा? जल्दी बताएंगे

अगले अगले क्वेश्चन क्वेश्चन बढ़ बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं, हैं। मेरे बच्चों सुध्यान जो सुन लो, कल जो है बजे, से, से जस्ट नीट चैनल पर हम सब लोग होंगे। मैं त्यागी सर और डॉक्टर खन्ना हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पेपर डिस्कशन करेंगे यहीं पर सबसे पहले जस्ट नीट चैनल पर आपकी आंसर की आने से पहले हम आंसर की बता देंगे ठीक है

फाइंड दी इन करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू क्रेनियल कैपेसिटी फास्ट चलेंगे बेटा क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से सोचेंगे क्रेनियल कैपेसिटी कौन सी क्रेनियल कैपैसिटी इसमें इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है बच्चे कुछ आसान क्वेश्चन भी दे रहा हूं ना नहीं तो डिमोटिवेशन हो जाएगा ऐसे आएंगे भी सही आप ऐसा मत सोचो कि सारे क्वेश्चन मुश्किल ही आएंगे कुछ आसान आएंगे कुछ मुश्किल आएंगे

Mainly by, mainly by 18th क्वेश्चन का आंसर देंगे, देंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चे कुछ आसान कुछ मुश्किल कुछ सोचने वाले बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जल्दी आंसर करेंगे ये द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज सेमिनल वेसिकल आपको पता होना चाहिए ये जो आपका फ्रक्टोस होता है ये आपका जो शुगर है बच्चे ये सेमिनल वेसिकल में होता है और इसको रेप टेस्ट में भी हम टेस्ट करते हैं रेप शुगर बोलते हैं बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में ठीक ये याद रखना है एम्स में क्वेश्चन आया था अनफॉर्चुनेटली फॉर फीमेल इज विक्टिमाइज बाय सम समुनेट ब्रूटल काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट रेप तो उसमें हम रेप में फ्रक्टोज का ही टेस्ट करते हैं याद रखना बेटा एम्स में क्वेश्चन पूछा था चलिए आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी जेनरा हाउ मैनी जेनरा

चलिए 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 का आंसर करेंगे बच्चे गुड क्वेश्चन पड़ेगा सोचना पड़ेगा बेटा इट इज अ गुड क्वेश्चन आपको इसमें क्या ढूंढना है क्या ढूंढना है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म या दोनों पहले बताइए लिख के फटाफट फड़ कमेंट में बताइए आपको क्या ढूंढना है क्या फाइंड करना है ये बताइए बच्चे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म या दोनों लिखिए 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 मैं वेट करूंगा इस क्वेश्चन के यस yes, बेटा राइट 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 द करेक्ट आंसर इज फोर कौन कौन सा हो गया आपके पास ये देखो साइकस ठीक है सिड्रस पाइनस और मैंगी फेरा ठीक है तो ये सीड है ना दोनों दिखा रहा है दिखा रहा है है yes, यस बच्चे करेक्ट 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 ठीक तो इसीलिए फोर आंसर हो गया ये क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं चलिए राइट 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 अध्ययन वेरी गुड वेक्लरी एस्टिवेशन इज सीन इन सीवेशन इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन यू अंडरस्टैंड दैट

ट्रांसपिरेशन फटाफट आंसर करेंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी करेंगे बच्चे ही कर रहे हैं टेंशन मत करो ट्वेंटी करेंगे जल्दी जल्दी का का आंसर आंसर करेंगे करेंगे बच्चे ट्रांसपिरेशन ट्रांसपरेशन कैसे होगी क्या डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज विद लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ट्वेंटी वन का आंसर करेंगे, करेंगे बेटा ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात से।, से सुनो अभी मैं बताता हूं आपको अभी बताता हूं अभी बताता हूं अभी बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों ट्वेंटी वन का आंसर बी होगा कुछ लोगों ने सही जवाब दिया देखो बच्चे आप कह रहे हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से डिक्रीज तो नहीं होगी ये तो रॉन्ग हो गया भाई पानी बढ़ेगा तो ट्रांसपेरेशन डिक्रीज थोड़ा होगी

एरोबिक रेस्पिरेशन एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चलिए सोच के बताइए सोच के बताइए 22 का आंसर 22 का आंसर बताएंगे बेटा इनमें से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन और पेंटोस फॉस्फेट में क्या कॉमन है क्या कॉमन है चलिए, चलिए 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 बोलेंगे 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 ए आंसर लगा रहे हैं सब लोग ए आंसर लगा रहे हैं ए आंसर लगा रहे हैं ए आंसर लगा रहे हैं

पीपीपी पाथवे जो होती है उसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होती है पहले आप मेरी बात समझ लें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नोट कर लें इसका करेक्ट आंसर डी है बी है सॉरी मेरी बात समझे बच्चे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जिसको कि आप बोलते हो पीपीपी पाथवे ठीक है या हेक्सोस एच एम पी पाथवे उसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होती बेटा दैट इज एन ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज सीधा जो है आपका ग्लूकोज सिक्स डिहाइड्रोजिनेस इन नाइन की मदद से बहुत सारे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है और इसमें थर्टी फाइव एटीपी का गेन होता है इसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होती है याद रखना इसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होती है तो इसीलिए डिहाइड्रोजिनेशन आंसर है मेरे को पता था एकदम से आप जो आंसर लगा देंगे ग्लाइकोलिस बेटा डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है एनएडी जो है वो एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है तो अब आप कहोगे कि ये इसमें कैसे हो रहा है फर्मेंटेशन में कैसे हो रहा है फर्मेंटेशन से पहले ग्लाइकोलिस तो हो रही है ना वहां पर तो हो रहा है ना एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हो ही रहा है एनएडीएच की फॉर्मेशन हो ही रही है ठीक है तो इसीलिए डिहाइड्रोजनेशन बेस्ट आंसर हो गया चलिए <laughs> मेरी बात समझ में आई मेरी बात समझ में आई ठीक है तो इसीलिए ये ध्यान रखना पीपीपी -पी -पी पाथवे में कभी भी दिहाए? वो आपका ग्लाइकोलिसिस नहीं होती पीपीपी पाथवे अलग होता है ठीक है चलिए 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दी वन आउट विद रिस्पेक्ट टू इसलिए तो मैं बोल रहा था कि लगाओ आंसर कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं 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 इशू इशू उट विशूट के रिस्पेक्ट में, जल्दी जल्दी लाइक करेंगे फटाफट इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लास्ट दिन तक मैं आपके साथ लगा हुआ बिल्कुल

ये 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 भी सही है, ये भी सही सही है है गलत है ना तो बी आंसर हो गया करेक्ट आंसर इज बी राइट बेटा क्वेश्चन बच्चे मैंने ये पूछा है वन आउट देखो ये की फ्लावर के साथ होता है पॉलिन की चिपकाने के लिए होता है स्पोरोपोलिन में होता है जो है ब्रॉन्फेक्शन होते हैं एनिमोफिलस फ्लावर में होते हैं ठीक है थीके? बाकी सब तो सही है बी गलत हो रहा है इसीलिए चलिए 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 बताएंगे बेटा फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस बी एस बी मतलब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ठीक है डेफिशिएंट एंड येलो सीडेड पी ठीक है इन एफ टू जनरेशन ऑफ द मेंडेलियन मेडिलिड क्रॉस चले 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 बताएंगे तो भी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा बेटा बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा था इसका आंसर बताएंगे इसका आंसर बताएंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी मेरे बच्चों याद रखो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अगर एंजाइम अगर होती है तो सीड तो जो होता है वो राउंड होता है, अगर होता है तो सीड रिंकल होता है अब आप ऐसे लगाओ आप ऐसे लगाओ इसका जब आप क्रॉस करोगे तो ऐसे आएगा ऐसे आएगा ये आपके पास क्या है येलो राउंड ठीक है ये आपके पास क्या है येलो रिंकल्ड ठीक है ये आपके पास क्या है ये आपका ग्रीन राउंड ठीक है और ये आपके पास क्या है ग्रीन रिंकल्ड अब आप सोचो अब आपको मैंने क्या पूछा रिंकल्ड एंड, येलो, एंड येलो, तो ये एंड ये रेशो क्या आती है 9, 3, 3, 3, 1, तो आंसर आ, 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 तो आ जाएगा बेटा नाइन थ्री 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 वन रेशो होती है उसमें से मैंने येलो रिंकल्ड वाला पूछा स्टार्च ब्रांचिंग नाइम डेफिशेंट है तो वो येलो रिंकल्ड हो गया चलिए यस बेटा बी आंसर लगाया करेक्ट 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 चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते आगे बढ़ जाते आगे बढ़ जाते आगे बढ़ जाते अगला क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉमन सलिज्म चलिए 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 जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन जल्दी बोलेंगे बेटा मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है दी करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज सी करेक्ट 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 बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है बेटा प्लस जीरो होता है, आपको पता है 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 प्लस होता ना फायदा होता अगला क्वेश्चन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन इनलैंड वाटर इनलैंड वाटर इकोलॉजी का क्वेश्चन एनसीआरटी एनसीआर जल्दी बोलेंगे डाइजेशन शुरू किया कुनाल बेटा चलिए 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 ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जल्दी करेंगे ट्वेंटी सिक्स का आंसर करेंगे दो बच्चों ने आंसर सही दिया काफी बच्चों सही -सही दे रहे हैं चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते है याद करना है इसमें कुछ नहीं में दिया हुआ चूज दी ऑर्ड वन आउट विदर्वेशन स्ट्रेटेजी ट्वेंटी सेवन का आंसर करेंगे 27, 27, fast, पार्क पार्क बॉटनिकल गार्डन बैंक नेशनल इनमें से वन आउट निकालना है वन वन आउट आउट निकालना है बच्चों सोच के आंसर करेंगे जल्दी जल्दी ट्वेंटी सेवन का सी लगा रहे हैं बच्चे मेरे बच्चों इन सिटू है ध्यान रखेंगे एट एट द द पॉइंट पॉइंट पर पर भी आप कर रहे हैं उसी जाके तो तो है, है, है। है, और एक साउंड बिल्कुल क्लियर है ठीक है कोई इशू नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सीओपी ट्वेंटी थ्री वॉज हेल्ड एट यू एन कैंपस इन सीओपी ट्वेंटी थ्री मैं सारे सीओपी बता देता हूं सारे COP बता देता हूं भी आपको ट्वेंटी याद कर लेंगे बॉन्ड में था बेटा ये याद रख लेंगे देखो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहां पर मेरे पास नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है बच्चे ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं इस बात को ध्यान सुनेंगे सीओपी थ्री सीओपी थ्री ये देखो बच्चे सीओपी थ्री जो है वो जापान में 1997 में हुआ था इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं ये आ चुका है पहले ध्यान ध्यान से से सुनेंगे सुनेंगे बच्चे ध्यान सुनेंगे मैं जो कह रहा हूं ये इंफॉर्मेशन है और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि सीओपी ट्वेंटी फाइव सीओपी का मतलब पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वो कब हुआ दिसंबर में मैड्रिड स्पेन में हुआ था ठीक है ठीक है यहां पर हुआ था और अब जो है सीओपी ट्वेंटी सिक्स होना था नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में लेकिन कोविड की वजह से इसको यूके में अब 2021 में कराया जाएगा ये बच्चे याद रखना बेटा ठीक है ये याद रखना ये देखो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं सीओपी आता ही आता है सीओपी 26 जो कि नवंबर 2020 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से इसको खिसका दिया गया है नवंबर दो में और वो कहा होने वाला है यूनाइटेड किंगडम में पच्चीसवा सीओपी जो हुआ है वो स्पेन में हुआ था तो ये सब याद रखना बच्चे ये ये हिस्ट्री नहीं है बेटा संदीप मिश्रा ये आते हैं क्वेश्चन और हो सकता है कि कल भी मिल जाए आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन बार बार आ चुके सीओपी थ्री बार बार आ चुके प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आता ही है ठीक चलिए अगले क्वेश्चन ऑफ रिजनरेशन जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। लीस्ट पावर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इनमें से कौन सा जो है लीस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन करता है बिल्कुल सही बात है नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू जो होता है रिजनरेट नहीं करता नर्वस टिश्यू रिजनरेट नहीं करता नर्वस टिश्यू रिजनरेट करेगा तो ट्यूमर हो जाएगा ब्रेन ट्यूमर चलिए आगे बढ़ते हैं वैसे उनका होता है ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर ग्लायल सेल्स का देखिए चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू कॉक्रोच विच आर पेयर्ड अच्छा क्वेश्चन है गुड क्वेश्चन सोचेंगे थर्टी क्वेश्चन का आंसर करेंगे थर्टी क्वेश्चन का आंसर करेंगे इट इज अ गुड क्वेश्चन बड़ा बड़ा आंसर करेंगे थर्टी का थर्टीएथ प्यारे बच्चों का सी आंसर नहीं है दो ही आंसर एंटीना डबल, होते, एनल डबल, होते, एनल सरकाई डबल होते, में होती है डबल होती है हाइपोफारें एक होता है तो वैसे गलत हो गया ठीक है और ये फ्रॉन्स यहां पर लिखा हुआ ये भी गलत हो गया आई होप समझ में आया होगा लेबरम जो होता है बेटा अपर लिप होता है याद रखना

ठीक है बंद ही हो जाएगा डिक्रीज बोल सकते हैं बेटा बंद होना एक ही बात मान के चलेंगे विच ऑफ फैटी एसिड थर्टी वन का आंसर देंगे बच्चे क्विक 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 थोड़ा सा जल्दी लिखे बच्चे हाई विंड वेलोसिटी में ट्रांसफरेशन डिक्रीज भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है डिपेंड करता है कितनी तेज हवा चल रही है अगर पूरा स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा ना लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे आवाज चल रही हो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है थर्टी वन का आंसर यही हो जाएगा सही बात है फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं बेटा याद रखेंगे ओलिक एसिड होता है लाइनोलेनिक लाइनो एसिड होता है और अरेकीडोनिक एसिड होता है ये चार एसिड होते हैं याद रखना बेटा ये चार एसिड होते हैं लेकिन ये असेंशियल नहीं है असेंशियल ये तीनों है असेंशियल ये तीनों है ये तीनों असेंशियल है अनसेचुरेटेड लिखे मैंने अनसेचुरेटेड लिखे ये तीनों असेंशियल है इनकी डेफिशिएंसी से डेफिशियन में होता है वो सब नहीं आएगा पेपर में वैसे बता देता हूं ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होते हैं एक दो तीन चार जैसे जैसे स्पेलिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे कई लोग इसको ऊल लाला से याद रखते हैं अरेकिडोनिक एसिड में चार डबल बॉन्ड होते हैं मोस्ट अनसेटेड फैटी एसिड विद ट्वेंटी कार्बन एटम याद रखना बेटा अरेकिडोनिक एसिड इज द मोस्ट अनसेटेड फैटी एसिड जैसे जैसे स्पेलिंग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी बढ़ते जाएंगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं ड्यूरिंग पेरिंग फोर्सफुलेशन 32. 32, 32, 32, 32, 32. याद रखना एसिड में में चार डबल होते हैं जल्दी 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 बोलेंगे जल्दी, quick, 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 quick. पायल बच्चे जल्दी से बोलेंगे बहुत पीछे चला गया ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सलेन देयर इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है बताएंगे बच्चे बताएंगे 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 फोर्सफुल ब्रीदिंग थर्टी टू का लिख के आंसर करेंगे चलिए द करेक्ट आंसर इज प्यारे बच्चे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है डायफ्राम तो करता ही है एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना डायफ्राम से आपने लेना नहीं है ये नहीं लेना है तो इसका बेस्ट आंसर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है थोड़ा केज के वॉल्यूम को बढ़ा देती है याद रखना फोर्सफुल ब्रीदिंग में एबडोमिनल मसल्स एबडोमिनल मसल्स प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करती है याद रख लो बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करती है द करेक्ट आंसर इज वन चलिए, चलिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। Find the, uh, क्या है? मैंने आपको बताया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक बढ़िया चैप्टर है जब तक आप आंसर करो मैं एक बता देता हूं रिवाइज भी करा देता हूं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक बढ़िया चैप्टर है मैक्सिमम न्यूट्रोफिल होती है और लीस्ट जो होती है वो बेसोफिल होती है चलिए 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 बेटा आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे, चलेंगे क्वेश्चन बताएंगे इसमें इसमें बताएंगे करेक्ट मैच बताना आपको करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ क्या मैक्सिमम होती है न्यूट्रोफिल क्या किडनी शेप्ड होती है बेसोफिल क्या इन्फ्लामेटरी होती है थर्टी थ्री का बोलेंगे थर्टी थ्री का थर्टी थ्री का थर्टी थ्री का बहुत सारे लोग जो बैठे आंसर सी लगा रहे हैं बहुत सारे लोग डी लगा रहे हैं डी ही आंसर है प्यारे बच्चों ध्यान दो इनोफिल e मैंने आपको बोला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक बेकार या बढ़िया चैप्टर है जो भी आप कहना चाहते हैं न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिलोसाइड मोनोसाइट स्नोफिल बेसोफिल तो स्नोफिल मैक्सिमम हो गई तो रॉन्ग हो गया और किडनी शेप न्यूक्लियस जो होता है वो मोनोसाइट का होता है याद रखना किडनी शेप न्यूक्लियस मोनोसाइट का होता है लिम्फोसाइट का मैक्रोफेजिस से कोरिलेशन माइक्रोफेजिस मैक्रोफेजिस जो होती है वो मोनोसाइट से रिलेटेड होते हैं बेसोफिल में हिस्टामिन होता है तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है यस बेटा याद रखना बेसोफिल में हिस्टामिन होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन वाइंड इन करेक्ट मैच रिगार्डिंग सिलेक्टिव ट्यूबलर रिप्स चलिए चले चले चलिए बोलेंगे, बोलेंगे श्रद्धा यादव इंफ्लामेशन एलर्जी इनफ्लामेशन में हिस्टामिन काम करती है ना वैसो डायलेटर हो जाती है बेटा सिरोटेनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर होती है बेसोफिल में तीन ग्रेन्यूल्स होते हैं हिस्टामिन वाला सिरोटनिन वाला और हिपारिन वाला चलिए फाइन द इन करेक्ट मैच इन करेक्ट मैच रिलेटेड टू दिलेक्टिव रीअब्सॉप्शन तो मेरे बच्चे यहां पर देखो यहां पर देखो इन करेक्ट रीअबॉप दिया हुआ है वैसे तो दो आंसर गलत है दोनों गलत है बी एंड डी बोथ आर इन करेक्ट बी एंड डी बोथ आर इन करेक्ट देखो बच्चे इनकरेक्ट पूछा है ये होता है और ये भी हो जाता है तो बी एंड डी याद रखना बी एंड डी बोथ आर इन करेक्ट बी एंड डी बोथ आर इन करेक्ट राइट

क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देंगे बच्चे रीनल कैलकुलस वैलकुलस कैलकुलस इज फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी जो कि आपके कैल्शियम ऑक्जलेट और कैल्शियम यूरेट या मोनोसोडियम यूरेट भी होता है बेटा याद रखना मोनोसोडियम यूरेट इसकी्यूमुलेशन से भी हो जाता है मोनोसोडियम यूरेट मोनोसोडियम यूरेट जिसको आप एमएसयू कहते हैं या फिर कैल्शियम यूरेट या फिर कैल्शियम ऑक्जलेट इनकी एक्यूमुलेशन से होता है तो ये बेटा द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ठीक है चलिए

ग्रोथ हार्मोन भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है याद रखेंगे बेटा लास्ट मोमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ हार्मोन गलूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो बढ़ाता ही है और ग्लूकागन को बढ़ाता है इंसुलिन इंसुलिन यहाँ इंसुलिन लिखा है वैसे भी आप एलिमिनेशन से कर सकते थे तीन चॉइसिस में इंसुलिन लिखा था चलिए 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 अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन एनॉगस ऑर्गन एनोलोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं थर्टी सेवन का आंसर देंगे गिव मी मेरी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी सेवन का आंसर देंगे बच्चे

the only analogous organ is number 4 and analogous organ you know that they have different anatomy lekin functional similarity hoti hai isliye convergent evolution show karte hain to aapka answer d ho gaya chaliye agle question par if the gene of interest is inserted at salvan site of the pb322 pbr322 this is called plasmid rodriguez और bolivar bolivar rodriguez ये plasmid है इसमें आपने salvan site पर एक gene जोड़ दी है चलिए तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा जल्दी बोले जल्दी बोले एटी एटी एटन विल हैपन हैपन विल क्या होगा रेजिस्टेंस किसकी लूज होगी टेट्रासाइक्लिन की Tetra की क्विक 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 थर्टी एट का आंसर देंगे थर्टी एट थर्टी थर्टी एट यस बेटा करेक्ट 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 कम लोगों ने सही आंसर दिया बेटा कम लोगों ने सही आंसर दिया मेरे प्यारे बच्चों सालवन साइड में जोड़ी है सालवन साइड में जोड़ी है सालवन साइड किधर होती है सालवन साइड किधर होती है यस बेटा यस 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 करेक्ट 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 करे करेक्ट करेक्ट

यस 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 राइट 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 ओके डी होगा डी होगा डी होगा डी है डी आंसर है इसका गलत आंसर दिया हुआ टेट्रा साइक्न हुआ करेक्ट करेक्ट क्योंकि सालवन जो होता है वो टेट्रा साइक्लिन है बिल्कुल सही बात है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कंसिडरिंग दी ट्वेंटी नंबर ऑफ क्रोम टेट्रा साइक्लिन होगा मैंने बता दिया इन मेस प्लांट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द ट्यूब न्यूक्लियस पीसी न्यूसलस सिनर्जी डर रिस्पेक्टिवली चलिए चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है मैंने आंसर करेक्ट कर दिया जल्दी बोलेंगे कंसडरिंग दी ट्वेंटी नंबर ऑफ क्रोमोजोम करिए थर्टी नाइन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सोच के आंसर करेंगे जल्दी 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 क्विक क्विक देखो बच्चों देखो बच्चों यहां पर मियोसाइट जो है वो ट्वेंटी हो गया मियोसाइट में क्रमोजोम नंबर ट्वेंटी दिए हुए हैं अब आपको ट्यूब न्यूक्लियस दिया हुआ है ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है बेटा ट्यूब न्यूक्लियस न्यूक्लियसॉइड होता है ट्यूब न्यूक्लियस इज हेप्लॉयड तो दस हो गए क्रोमोजोम एन का मतलब न्यूक्लियस है ठीक है फिर पीसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये ट्रिप्लॉयड होता है ये थ्री एन हो गया थ्री एन का मतलब थर्टी हो गया फिर आपके पास न्यूसेलस न्यूसेलस क्या होता है डिप्लॉयड होता है तो आपके पास टू एन हो गया न्यूसेलस में कितना हो गया ट्वेंटी सिनरजिट क्या होता है सिनरजिट इज हेप्लॉयड सिनरजिट इज हेप्लॉड सिनरजिट है तो क्या हो गया टेन हो गया तो सी आंसर हो गया करेक्ट सी आंसर हो गया यस बेटा करेक्ट आंसर इज सी

मियोसाइट में 20 क्रोमोसोम है फिर से देख लो बच्चे जो पूछ रहे हैं तो ये अच्छा क्वेश्चन था ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस जो है बेटा वो हैप्लाइड है ट्यूब न्यूक्लियस इज हेप्लॉयड तो हेप्लॉयड में टेन हो गए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिप्लॉयड है ट्रिप्लॉड तो हो गया तो थर्टी हो गया न्यूसेलस जो है वो आपका डिप्लॉयड है न्यूसेलस क्या है डिप्लॉइड है तो डिप्लॉयड तो हो गया तो ट्वेंटी हो गया ठीक है ऐसे ही हो गया और आपके लास्ट में सिनर्जिड है Synergyed जो है वो आपका क्या है Heploid है Heploid हो गया तो टेन हो गया आई होप मेरी बात समझ आ गई अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला अगला फोर्टी 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 फॉर्टी क्वेश्चन यस बेटा क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे सोचेंगे फोर्टी क्वेश्चन पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें कोई टेंशन नहीं है अगर गुआनिन बेटा आपका फोर्टीन है अगर गुआनिन इन फोर्टीन है तो साइटोसिन भी फोर्टीन होगा क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन दोनों बराबर बराबर होंगे और अगर फोर्टीन फोर्टीन है तो देखो मैं फिर से लिख देता हूं अगर गुआनिन आपका फोर्टीन है तो इसका मतलब आपका साइटोसिन भी कितना होगा 14% परसेंट होगा तो ये 28 हो गया 100 में से 28 माइनस कर दो 28 माइनस कर दो तो 72 आ गया यानी कि एडिनिन और थायमिन कितना हो गया 36, 36 हो गया 36, 36 हो गया तो अब आप देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट आंसर आ रहा है यस yes, बेटा करेक्ट 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 आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी ठीक है तो वैसे सोचना है वैसे सोचना है और साइटोसीन बराबर बराबर होगा और और उसके हिसाब से क्या आया था फोर्टी वन का आंसर करेंगे बेटा फोर्टी वन फोर्टी वन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी श्रद्धा बेटा पीछे नहीं जा सकता हूं मैं अब फोर्टी वन 41, 41 बच्चे मेरे प्रोटिस्टा थे Two kingdom classification के बाद बाद हीकल ने प्रोटिस्टा दिया था. उसके वाले वाले में में आया आया और विटेकर वाले में five और काल में जो बेटा, वो आर एन के बेस पर था ध्यान रखना बच्चे ध्यान रखना yes बेटा प्रोटिस्टा 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 वेरी गुड चलिए कंसिडर दॉलोइंग फोर्टी टू का आंसर करेंगे स्टराइल मेन विद ओवरऑल फेमेनाइन डेवलपमेंट टेस्टिकुलर इनमें से क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम के कौन कौन से फीचर है कौन कौन से फीचर हैं इनमें से जल्दी जल्दी बोलेंगे जल्दी जल्दी बोलेंगे जल्दी 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 बेटा फोर्टी टू का आंसर करेंगे वट इज ई कोई ई लिख रहा है बेटा ई क्या है अच्छा only, oh, done, done, done. देखो बच्चों ठीक e, e, है bar body है तो bar body तो तो ना इसके इसके अंदर अंदर एक बार बॉडी है इसके अंदर है तो का तो लगेगा नहीं पर एक है तो तो ये गलत हो गया स्टराइल फीमेल फीमेल है ही नहीं ये ठीक है, है, है एक्स एक्स वाई क्या डबल एक्स वाई क्या होता है मेल होता है यहां पर क्या लिखा तो है बार बॉडी जितने क्रोमोसोम होते हैं हो, उससे एक नंबर कम होती है चलिए 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 चले आगे बढ़ जाते हैं आगे आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ जाते जाते हैं हैं बेटा करेक्ट ये बताएंगे इनमें से कॉमन कैरेक्टर डिक्टियोटा पॉलिसिफोनिया यूलोथरिक्स एंड एनाबीना इनमें कौन सा कॉमन कैरेक्टर है कॉमन कैरेक्टर है कॉमन कैरेक्टर चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है फटाफट फड़ बोलेंगे बेटा 43 का आंसर 43 43 देयर इज नो लैक फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज क्लियर बच्चे आई कैन सी माय सेल्फ इन दी अनदर सिस्टम मेरे पास दो सिस्टम है ठीक है चलिए फटाफट फड़ बोलेंगे 43 का आंसर करेंगे 43 पॉलीसिफोनिया फोर्टी और डिक्टेटा में क्या कॉमन है व्हाट इज कॉमन व्हाट इज कॉमन करेक्ट मेरे बच्चों बी आंसर जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में नहीं हो रहा है गैस वैक्यूल सब में नहीं है एम्ब्रियो सब में नहीं है इसमें एल्गी है डिक्टोटा ब्राउन एल्गी है रेड एल्गी है यह ग्रीन एल्गी है ठीक है तो आप सोच सकते हैं द करेक्ट आंसर इज बी क्लोरोफिल ए जो होता है बेटा वो यूनिवर्सल फीचर है सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है इवन बैक्टीरिया में भी होता है ठीक है तो याद रखना बेटा ठीक है चलिए ओके इफ द द डॉटर सेल ऑफ प्लांट आफ्टर प्लांटर कंटेन फोर क्रोमोजोम एंड एट पिकोग्राम डीएनए द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन एस रिस्पेक्टिवलीस चलिए 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 ध्यान से करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर आंसर करेंगे आंसर ऑफ़ 44 क्वेश्चन बच्चे देखो बच्चों क्या लिखा है माइटोसिस के बाद चार क्रोमोजोम है। चार क्रोमोजोम है इसका मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज फोर ठीक है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज फोर क्रोमोजोम नंबर तो कभी भी चेंज नहीं होता माइटोसिस में आठ पीकोग्राम डीएनए अगर जीवन फेस में आठ पीकोग्राम है

और आपके पास आठ पीकोग्राम डीएनए है अगर ये जीवन फेज में है तो एस फेज में क्रोमोसोम तो चार ही रहेंगे लेकिन डीएनए तो डीएनएग्राम हो जाएगा ना चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए अगला क्वेश्चन बताएंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इसमें आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं फोर्टी फाइव क्वेश्चन बताएंगे 45, 45, यस बेटा गोपाल बच्चे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ फोर्टी फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव सुमित तो आप तेरे को क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा आई कैन नॉट गो बैक बेटा अभी इस पे आगे ही चलो वैसे मेरे को दिख नहीं रहा ना मेरे को चॉइसेस याद नहीं है जल्दी बताएंगे का आंसर देंगे गिव मी दी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर इजी क्वेश्चन है बेटा इजी क्वेश्चन है नो no बच्चे नो 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 स्वराज स्वराज का आंसर अभी तो ठीक आ रहा है बच्चे देखते हैं स्वराज का आंसर ठीक आ रहा है देखो इसका कुछ काम नहीं करना इसको आपको आप ये देखो इन्होंने पूछा है कि ये जीनोटाइप आने की क्या फ्रीक्वेंसी है ये जीनोटाइप आने की क्या फ्रीक्वेंसी है अगर पेरेंट्स ये हैं पेरेंट्स ये हैं ये आने की प्रोबेबिलिटी है तो बहुत आसान है pp आपके पास pp को आपके पास pp qq rr ss और tt और आपके पास नीचे वाला है pp पी, पी, और qq rr ss tt मैं तरीका बता देता हूं बेटा इसको और इसको क्रॉस कर लो और फिर जो आंसर आ रहा है उसको इससे मैच कर लो मतलब pp और पी स्मॉल पी को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल बी कैपिटल पी फिर कैपिटल बी स्मॉल पी कैपिटल बी कैपिटल पी कैपिटल बी स्मॉल पी आएगा तो हमें क्या चाहिए कैपिटल बी कैपिटल पी चाहिए तो इसकी प्रॉबेबिलिटी कितनी हो गई टू बाई फोर यानी हाफ तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबका हाफ आ रहा है हाफ 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 पांच बार हाफ आएगा आप इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी यही आएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तभी तो आएगा इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी यही आएगा इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएंगे तो वन बाय थर्टी टू आंसर आ गया ठीक है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसको मोनोहाइब्रिड में ब्रेक करना होता है बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसको मोनोहाइब्रिड में ब्रेक करना होता है कुछ नहीं करना है मतलब आपको क्या करना है कि यहां पर ऑफ़ ये, ये इसको क्रॉस कर ले सबको क्रॉस करते चले जाए और मल्टीप्लाई करते चले यस yes, बेटा चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं

अनुपम तो घोष आपके आंसर स्लो आ रहे हैं तो तेजी चल रहा हूं कोई बात नहीं आपको फोर्टी फाइव फिफ्टी मिनट्स में सोल्व करने अभी क्या होता है ना मुझे हर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है इसीलिए 90 क्वेश्चन इन फोर्टी फाइव मिनट्स ठीक है वो आपके हो जाएंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन में भी लगे हूँ वहाँ डिस्कशन थोड़ा करना है आपको चलो बेटा फोर्थ आंसर है ग्रोथ हार्मोन की तरह और प्रोलेक्टिन की तरह से होता है बिल्कुल सही बात है करेक, करेक्ट 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 आपने क्या लगा दिया बच्चे इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस जो होता है ना दैट इज डन विद हेल्प ऑफ प्रोजेस्टिर हार्मोन याद रख लेना बेटा इज फॉर लेनाटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस विद वॉल ऑफ यूट्रस एंड दैट इज डन यूटर डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज द प्रेगनेंसी हॉर्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस चलिए अगला क्वेश्चन चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेनेट कॉकरोच के हिसाब से जो है बच्चे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है चलिए चूज करेंगे चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेरिब्लानेटा जल्दी बताएंगे बेटा जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे क्विकली 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 आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है बाकी सारे इनकरेक्ट हैं आंसर करेंगे बच्चे आंसर आंसर आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पोंसेस 49 का आंसर क्रिस्टीन क्या लगाया आपने सी लगाया प्रिंस मिश्रा बेटा बी कैसे हो गया भी कैसे हो गया ध्यान से देखेंगे ध्यान से देखेंगे अब मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करता हूं देखो यहां पर टर्जाइट लिखा हुआ एक्सोस ऑफ वी सेगमेंट कंटेन्स फोर काइटिनस प्लेट्स इनको बेटा स्कलैराइड कहते हैं टर्जम है, जो होता है वो डॉर्सल साइड पर इस हाथ ऊपर वाली साइड पर होता है नीचे वाली साइड पर स्टर्नाइट होता है ठीक है मेन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच मेस्टिकेशन के लिए मैग्जिलेप्ड विथ शॉर्ट टीथ बच्चे मेरे गिजर्ड में दांत होते हैं मैगजिला में दांत नहीं होते कॉकरोच के मुंह में दांत नहीं होते हैं ठीक है कॉकरोच के मुंह में दांत में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास थोड़ा जाएगा आप में से कुछ बच्चे जाते हैं ठीक है एक्सप्लेटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच आर अमोनिया एंड यूरिया ये अमोनिया और यूरिया नहीं होता यूरिक एसिड होता है तो आई मेरी आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चे सी हो गया राइट राइट लेटरल प्लोराइट होते हैं यस राइट 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 चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अमंग द एंसेस्टर ऑफ द मैन फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ द एंसेस्टर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिजर्ड में दांत होते हैं गिजड़ में छह कार्टेनस टीथ होते हैं जो आपको मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं चलिए फिफ्टीए का आंसर देंगे यस बेटा मेलपीजियन टिब्यूल्स होती है वहां पर कॉक्रोच यूरिको टेलिक होता है कॉक्रोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है फिफ्टीए क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा क्विकली 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 फिफ्टी 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 का बी लगा रहे हैं आंसर चलो देख लेते हैं बी आंसर आ रहा है होमो ने बरी नहीं किया था किसने बरी किया था याद रखना बेटा बलैन ने बरी किया था डेड बॉडीज को जो होता है उसे रिलीजियस मैन भी कहते हैं ही डेड बॉडीज फिर आपके पास नियंडरथल मैन ओमनीवर्स के पेंटिंग जो की थी वो क्रोमैगन मैन ने की थी ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये नोट करते चले जाएंगे अर्लीस्ट सोनमिनिट क्रोमैग्न मैन नहीं था नियंडरथल मैन ने बरी किया था और जो केव पेंटर था वो क्रोमैग्नन मैन था क्रोमैग्नन वॉज वेरी इंटेलिजेंट उसकी कैपेसिटी थी और वो केव्स की वॉल पर पेंटिंग ड्रॉ करता था याद रखेंगे बच्चे। of, quick, 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 है। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट्स फर्स्ट रैपिड फर्स्ट रैपिड फास्ट रैपिड है फर्स्ट रैपिड नहीं रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स चलो बताएंगे रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स की फिल करने के लिए क्या है फिफ्टी वन हो गया बेटा फिफ्टी टू पे आ जाओ फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू क्यों दी करेक्ट आंसर क्योंकि करेक्ट आंसर फिफ्टी टू लिख के आंसर करेंगे बच्चे प्यारे बच्चों मेरे झल्लास्टिक बच्चों ओपनिंग ऑफ सेमिलर वेल्व अगर हो गई ध्यान दो, दो कॉन्सेप्ट हो सकता है ओपनिंग ऑफ अगर अगर हो गई तो तो अगर खुल गए, तो तो खुल गए ब्लड बेटा यहां से बाहर चला जाएगा ना और यहां से भी बाहर चला जाएगा तो वेंट्रिकल्स तो एम्पटी हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेट ओपनिंग ऑफ सेमिलर वैल्व कब होती है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ओपनिंग ऑफ सेमिल्व जब हो जाएगा तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर चला जाएगा वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा ठीक है अब आपको यहां पर क्या प्रेशर है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आपको बताया फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल कैसे हो गया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता होता है है क्लोजर ऑफ एवी कब कॉन्सेप्ट ध्यान दो बेटा क्लोजर ऑफ एवी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें और एट्रिया रिलैक्स करें तब कैसे फिलिंग हो सकती है क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं नहीं समझ आ रही है देखो क्लोजर ऑफ एवी वैल्व कैसे हो सकता है बेटा पॉइंट समझो ठीक है क्लोजर ऑफ एवी वैल का मतलब एवी वैल बंद हो गए इसका मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल में और एट्रिया डायस्टोल में तो फिलिंग तो हो ही नहीं सकती तो ये प्रेशर की वजह से होगा ना आई होप मेरी बात समझ में आ रही है आई होप मेरी बात समझ में आ रही है बी नहीं है बेटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर इसका जो first, जो फर्स्ट आंसर लगेगा वो करेक्ट आंसर सी है चलिए 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 आगे बढ़ जाते आगे बढ़ जाते आगे बढ़ जाते।, जाते।, जाते अगला क्वेश्चन हार्मोन विच हुज एलिवेटेड लेवल्स आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग किड्स टू इंडिकेट ओविलेशन ओविलेशन अच्छा क्वेश्चन था बेटा अच्छा क्वेश्चन था उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना था आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही स्टार्ट होता है ना तो एवी बंद हो जाते हैं प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको लब कहते हैं ठीक है तो जब लब कहते हैं तो जब वो बंद ही हो गया तो फिर कैसे हो जाएगा ये बताएंगे 53. 53 बताएंगे बेटा yes, बेटा एलिवेटेड लेवल आर डिटेक्टेड टू इंड्यूस ओवुलेशन ओवुलेशन यस अब इसमें एच सी जी देना ये प्रेगनेंसी टेस्ट है दिस इज प्रेगनेंसी टेस्ट इसे प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं और ये जो टेस्ट होता है उसे ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं ठीक है तो एच सी यूरिन में आता है वो अलग चीज है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्सुअल फेसिस ऑफ दिजम ऑफ ओबिलिया ओबिलिया का आंसर बोलेंगे जिसको सीफर भी कहते ये आपका निडेरिया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट निडेरिया आपको मालूम होना चाहिए ओबिलिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर का आंसर बोलेंगे यस बेटा ग्रेविट मीन प्रेगनेट फिफ्टी फोर का आंसर बोलेंगे फिफ्टी फोर इज मेटाजेसिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस पॉलिप मेड्यूसा अल्टरनेट करते हैं ना पॉलिप में जो होता है बडिंग होती है बडिंग होने के बाद ब्लास्टोस्टाइल गिर जाता है तो मेड्यूसा बन जाता है मेड्यूसा फ्री स्विमिंग जो है मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फिर पॉलिप बनता है तो उसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस कहते हैं चलिए 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 यस बेटा करेक्ट श्रद्धा ने बिल्कुल सही आंसर लगाया ये पैरासिटिक नहीं होते हैं प्लांट पर ये पैरासिटिक नहीं होते हैं बाकी सब कुछ ठीक है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है याद रखना बेटा बाकी सब ठीक है ठीक है ओके अगले क्वेश्चन पे सम टोटल ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ये क्वेश्चन करो थोड़ा दिमाग लगेगा फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन को करो थोड़ा सा दिमाग लगेगा यू नीड लिटल बिट ऑफ कैलकुलेशन फॉर दिस फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स का आंसर करेंगे मैं आपको बता दूंगा यस yes, बेटा राइट 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 यस रजत त्रिपाठी यू आर राइट चलिए 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं इलेवंथ का बेटा कुनाल मैंने यूट्यूब पे कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया आपको हम बार बार बोलते हैं कि अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो बच्चे ऐप पर मैं पढ़ा रहा हूं इलेवंथ यूट्यूब पे इलेवंथ नहीं पढ़ा रहा हूं सिक्सटीन आंसर आ रहा है यस yes. किस किस का सिक्सटीन आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर इज सिक्सटीन सिक्सटीन आ रहा है बेटा नहीं ट्वेल्व आएगा आंसर ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व आएगा अभी मैं बताता हूं आपको कैसे बताता हूं नो 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 देखो बच्चे यहां देखो टेस्ट क्रॉस अगर थ्री पेयर ऑफ पॉलीजीन है अगर थ्री पेयर ऑफ पॉलीजीन है तो आप ये देखो ए ए बी बी सी सी को हम टेस्ट क्रॉस करेंगे ए ए बी बी सी सी के साथ ठीक है तो अब आप इसके कितने गेमिट बनाएंगे आठ गेमिट बनाएंगे इसका कितना बनेगा एक तो आठ तो आपके पास आ गए बेटा जीनो आठ आपके पास जीनो आ गए ठीक है क्या मेरी बात समझ में आ रही है रुको मैं करके बताता हूं यहां देखो यहां देखो यहां देखो जल्दी से देख लो टाइम थोड़ा कम है अभी बहुत सारे क्वेश्चन है ये देखो बेटा ऐसे करके आप बनाओगे ए बी सी गेमिट बनाओगे ना ए बी स्मॉल सी ए बी कैपिटल सी ए बी स्मॉल सी स्मॉल ए कैपिटल कैपिटल सी ये ऐसे ऐसे बनाएंगे ना गेमिट्स बनाएंगे ठीक है ये हमें बनाने आते हैं तो अब आप देखो इसका गेमिट तो ए बी सी बनेगा तो ये, ऐसे तो ये, तीनों डार्क है। ये आपके पास दो डार्क आए और एक लाइट आया ये आपके पास एक डार्क और दो लाइट आए ये आपके पास एक लाइट और दो डार्क आए ठीक है ये आपके पास ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ये दो लाइट आए और एक डार्क आया और ये आपके पास लाइट आया तो इस तरह से देखोगे तो चार फिनो टाइप बनेंगे चार टाइप के बनेंगे एक एक ये ये बनेगा बनेगा और दो बीच में बनेंगे तो चार ही हो गए तो आठ और चार बारह आई होप मेरी बात समझ में आ गई आई होप मेरी बात समझ में आई होगी चार तरह के यहां पर फिनो टाइप बन रहे हैं बेटा चार तरह के फिनो टाइप बन रहे हैं चार तरह के फिनो टाइप बन रहे हैं और ये आठ तरह के जीनो टाइप बन रहे हैं ओके क्वॉटेट तो बारह आंसर आ गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं 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 अगला क्वेश्चन सबस्ट्रेट लेवल लेवल लेन इन एरोबिक रेस्पिरेशन सबस्ट लेवल फॉस्फरेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन जल्दी बोलेंगे बच्चे जल्दी 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 सब लेवल फॉस्टफॉलेशन एक जगह पर होती है एक जगह पर होती है कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा वैसे ही सोच के करना था उसके बारे में आठ और आठ लोग ना आठ और आठ सोलह लगा देते हैं इसलिए मैंने आंसर दिया था चलिए बताइए लेवल फॉस्टोलेन यस बच्चे करेक्ट आंसर इज सी

याद करना है बच्चे फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन स्प्रिंग वुड जो फॉर्म होती है मेधा yes. फातिमा ने ये दिया सब लोग ये आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये इसमें 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं NCRT में लिखा 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 हुआ इसमें लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ चलिए चलिए अगला इलेक्ट्रॉन एंड क्वांट ऑफ लाइट टू रिलीज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन याद रखेंगे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सिक्सट क्वेश्चन का आंसर देंगे यू आर राइट

16th का answer, 60th का, 60th का 60th का आंसर, बेटा, बेटा, मेरे बच्चे देखो, मैं आपको बताता चाहिए चाहिए होता है 8 of light चाहिए होता है है एक oxygen को रिलीज करने के लिए one oxygen molecule को release करने के लिए ये याद रख लो दिस इज एन इंफॉर्मेशन आठ क्वांटा लाइट चाहिए होता है तो हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए तो आंसर आ गया, बस बाकी सब तो सेम है चलिए याद रखना बेटा एट क्वांटा ऑफ लाइट आर रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिस यू रिमेम्बर इट ये आपको याद रखना बच्चे तो दो है ना बेटा तो सोलह हो गए ना मेरे बच्चे सोलह हो गए ना ठीक है लक्ष्मी बेटा यहां पर देखो ना टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है ना तो मैंने एक बोला ना एक मोलिक्यूल तो दो सोलह हो गए ना चलिए राइट अगला क्वेश्चन विच ऑज द फॉलोइंग डार्वल स्टेज लार्वल स्टेज लार्वल स्टेज यस बेटा श्रद्धा

ठीक है और स्पैरो में भी कोई लार्वा नहीं होता लिजर्ड में भी कोई लार्वा नहीं होता इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसमें भी आप सोच सकते हैं ठीक है इसमें भी आप सोच सकते हैं ये स्कोलियोडॉन है इसका कोई लार्वा नहीं है ठीक है यहां पर देखो यहां पर क्या है यहां पर क्या है बाकी आप देख सकते हैं बटरफ्लाई का लार्वा है कैटरपिलर पिलर फ्रॉक का लार्वा है ओबिलिया का प्लानोला लार्वा ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा है ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा कौन सा होता है ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा पैरन कायमोला होता है पैरन कायमूला याद रखना बेटा पैरन कायमोला इज मोर कॉमन लार्वा ऑफ स्पॉन्जेस पैर एन और जो आपका साइकॉन का लार्वा होता है वो एम ब्लास्टोला होता है ये सब अगर याद रहे तो ठीक है वैसे कम ही पूछते हैं पहले पूछते थे अब नहीं पूछते हैं चलिए इसी आंसर हो गया ठीक है चलिए अब बताएंगे इसमें से कितने पेनक्रेडिक जूस के मेंबर है ल्यूकोसोलोनिया का लार्वा पेलन ऐसे याद रख लेना ल्यूकोसोलोनिया पेलन और साइकन का एम लालू प्रसाद इन साउथ अफ्रीका

ठीक है अमाइलेस है लाइपेस है कितने हो, और हो जाना ठीक है याद रखना पेनक्रियाटिक जूस इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है याद रखना बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है क्यों कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है क्योंकि ये डीएनए का भी डाइजेशन करता है डीएनए का भी करता है कार्बोहाइड्रेट का भी करता है प्रोटीन का भी करता है और फैट का भी करता है और ये जो न्यूक्लियस है ये डी और आर होते हैं डीएनएज और आर जो आपके एनसीआरटी में लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं बच्चे श्रद्धा यादव ध्यान रखना एंटेरो वर्ड मेरे प्यारे बच्चे एटेरो का मतलब इंटेस्टाइन होता है एंटेस एंटेरिकस से निकलता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है याद रखेंगे एंटेर अमीरोस भी इंटेस्टाइनल जूस से निकलता है विशाखा कुमारी एब्सेंस ऑफ एंटेस ये लो आ गया क्वेश्चन आपकी मन की मुराद पूरी हो गई और कुछ मांग लेते तो आपको आज ही मिल जाता जल्दी बोलिए एब्सेंस ऑफ एंटेस एंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन होता है

यस बेटा करेक्ट आंसर इस पैरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपको पता है कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले भी बड़ा होता है उसमें पैरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है यू नो दैट चलिए अगला क्वेश्चन स्कैपुला इज अ लार्ज फ्लैट बोन प्रेजेंट इन द पेक्टोरल गर्डल सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थैरेंक्स थोरेक्स बिटवीन 65 का आंसर देंगे बच्चे सिक्सटी फाइव सिक्सटी हाँ बच्चे बस खत्म अभी आराम से बैठ जाओ सो जाओ जितना रिवीजन होना था हो गया सेकंड सेकंड टू सेवन थ्री होता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजेनिक अमाइंस इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन ये सोचो सोच के आंसर दो सोच के आंसर देंगे बच्चे सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स

और एक आपका एड्रीनल इन नॉरेड्रीनल इन यानी एड्रीनल इन नॉरिन और एक आपका हार्मोन हार्मोन थायरोक्सिन तो चार चीजें बनती हैं और जो मिलेटोनिन है बेटा ये पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ये ट्रिप्टोफेन से बनता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस ओनली चलिए सिक्सटी सेवन का आंसर देंगे 67. 67, 67, 67, 67. जो जो मैं बताता जा रहा हूँ नोट करते जाओ हो सकता है कि मेरी जबान पर माँ सरस्वती बैठी हो कल क्वेश्चन आ जाए आपको

मच पब्लिसाइज ट्रीटमेंट और मेथड ऑफ डॉट्स इज बिंग एडॉप्टेड फॉर द क्योर ऑफ जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे डॉट्स किसके लिए अमिताभ बच्चन ने खूब सारी एड करी है डॉट्स किसी के इलाज का पक्का वादा एम्स में क्वेश्चन आया हुआ बेटा एम्स में क्वेश्चन आया हुआ सिक्सटी नाइन का ट्यूबर क्लोसिस है इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स ये बेटा ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट दवाई बेच के खा जाते थे इसलिए एम्स वाले डॉक्टर ने निकाला था अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ज्यादा इनकी एड द पॉपी प्लांट ओपीएम ओपीएम किसमें मिलता है ओपीएम 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 जल्दी सेवनटी ओपीएम इजी क्वेश्चन है सेवनटी सेवन सेवनटी सेवनटी एथ का आंसर देंगे बच्चे यस बेटा

ठीक है ब्लड प्रेशर को कम करती है और आपको बताया हैं है, ये प्रसेंट है ठीक है तो आपके पास आंसर आ गया स्टेटिन चलिए करेक्ट ये बताएंगे सेक्सुअल डिसीड सोच के आंसर देंगे सेवेंटी टू का आंसर सोच के देंगे सोच कर आंसर देंगे बच्चे सेवेंटी टू का मी दी आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू बाय थिंकिंग प्रॉपरली सेवेंटी टू सेक्सुअल डिसीट ये आपकी एनसीईआरटी में इकोलॉजी में लास्ट पे दिया हुआ है पहला जो चैप्टर है ना आपका और पॉपुलेशन वाला। बहुत सारे लोग बी आंसर दे रहे हैं चलिए चलिए बेटा चलिए सी आंसर है देखो पहले मेरी बात समझो ए सी और डी देखो ए सी डी सूडो पॉपुलेशन तो है ठीक है फिर आप देखो सी मिमिक्री वेयर मेल वैस्प रिजेंबल्स दी फ्लावर ये तो गलत हो गया बेटा ए सी डी गलत हो गया एक मिनट जाओ एसोसिएटेड विद्लावर यह फीमेल वैस्प होना चाहिए ठीक है तो ए सी डी लिखा हुआ है. ये बेटा देखो ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ये तो सही है मेटिंग एक्ट वाय द फीमेल द फ्लावर यह गलत है मिमिक्री वेर द मेल वैस्प रिजेंबल द फ्लावर ये एक्चुअली क्या होना चाहिए ये क्या होना चाहिए मेल द फ्लावर नहीं होना चाहिए ना इसमें होना चाहिए फीमेल वैस्प होता है फीमेल द फ्लावर तो बच्चे ये सही हो गया आपका और एंटोमोफिली ये सही हो गया तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी बनेगा करेक्ट आंसर बी बनेगा करेक्ट आंसर बी बनेगा ध्यान देखेंगे बच्चे करेक्ट आंसर बी बनेगा इसमें गलत आंसर दिया हुआ है मेरे पास करेक्ट आंसर बी बनेगा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं क्योंकि इसमें मेल वैस्प रिजेंबल नहीं करता कौन रिजेंबल करता है फीमेल तो फिर से देख लो फिर से देख लो ये करेक्ट है बच्चे ये 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 गलत गलत है ये भी गलत है ये है भी करेक्ट तो ये आंसर बन जाएगा आई होप मेरी बात समझ में आ गई आंसर को करेक्ट कर लेते हैं आंसर को करेक्ट कर लेते हैं बी विल बी दी आंसर ठीक है चलिए ओके राइट 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 ओके बी इज दी करेक्ट आंसर एओडी सही है चलिए फॉर्म रिप्रेजेंट्स चलिए चलिए बोलिए 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 फीमेल वैस्प होता है ना वैस्प का नाम कॉल्पा और होता है और फीमेल वैस्प जो है पेटल की तरह से लगता है तो मेल उसके ऊपर आके बैठ जाता है सोच के कि ये फीमेल वैस्प है चलिए राइट 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 बेटा फॉर्म बताएंगे फॉर्म फॉर्म थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी सेवन सॉरी सेवनटी थ्री सेवनटी बताएंगे बच्चे वट इज फॉर्म फोरम ऑफ अर्कटा मार्श तो बच्चे ये फोरम है ना तो सिटीजन ग्रुप है ग्रुप है फोरम है फोरम है यस सेवन थ्री सी नहीं है बेटा ये ठीक है ये फोरम है फोरम फोरम किसकी बनती है फोरम कोई पानी की थोड़ा बनती है फोरम तो आदमी की बनती है ना ठीक है चलिए डी है फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं फोरम भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स ऑफ अरकटा मार्च लिखा हुआ है फोरम भी होता है ठीक है तो फ्रेंड्स ऑफ अरकटा मार्च हो गया ना बेटा फ्रेंड्स फ्रेंड्स किसके बनते हैं फ्रेंड्स किसके बनेंगे फ्रेंड्स पानी के थोड़ा बनेंगे तो ऐसे सोचो चलिए मोलिकुलर वेट ऑफ द लिपिड मॉलिकुलर वेट ऑफ द लिपिड जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे यस बेटा यस बेटा यस वो है ना कैलिफोर्निया में जहां फ्रेंड्स ऑफ अरकटा मार्च है उन्होंने सारे के सारे उनको जोड़ के पानी साफ करने का एक प्लान बनाया हुआ है चलिए बेटा लेसन 800 डाल्टन होता है बिल्कुल करेक्ट 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 करेक। मोर देन एट हंड्रेड डाल्टन कैसे लगा दिया बेटा लेस देन होता है माइक्रो मोलिक्यूल के वेट के हिसाब से माइक्रो माइक्रोमोलिक्यूल है लेकिन क्या होता है कि जब हम रेटेनेट में इसको देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे वेसिकल्स आके फंस जाते हैं तो उसको माइक्रो मोलिक्यूल भी कह देते हैं तो एनसीआरटी में लिखा है कि लेपेड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रो मोलिक्यूल चलिए क्वाश्योर कर क्वाश्योर कर देर इज नो लैक बेटा क्वाश्योर कर बताएंगे सेवेंटी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का आंसर करेंगे

जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों डेफिशिएंट हो जाते हैं याद रखो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इट इज नॉट प्रोटीन एंड कैलोरी ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी डेफिशियोरकर में बच्चा जो होता है उसका पेट बाहर आ जाता है गणेश जी जैसा बन जाता है गणेश जी को प्रणाम लेकिन मतलब बताने के लिए बताया मैंने मोटा हो जाता है एडिमा हो जाता है ठीक है क्वाश्योरकर एक से पांच साल वाले बच्चे में होता है मैरासमस लेस देन वन ईयर होता है लेस देन वन ईयर वाले बच्चे में तीनों चीजें डेफिशियंट हो जाती है चलिए मार्क दी ऑट वन आउट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोसाइड हाँ एक साल वाले बच्चे कम बाबू को

किसी शुगर के साथ देखो थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ये आपके पास शुगर है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब मैंने यहाँ पर लगाया साइटोसिन तो बेटा जब साइटोसिन लगाया जब मैं पिरीमिडीन लगाता हूँ पिरीमिडीन तो हमारा जो न्यूक्लियोसाइड बनता है वो साइटीडाइन बनता है साइटीडाइन डाइन साइटी बेटा साइटी मेरी बात ध्यान से समझो ये हाँ ये बेस है वैसे भी साइटोसिन बेस है जब भी आप किसी भी शु, पेंटोस शुगर के साथ याद रख लेना पेंटो शुगर के साथ अगर पिरीमिडीन लगाते हो पिरीमिडीन लगाते हो तो आपका जो न्यूक्लियोसाइड है उसके पीछे डाइन लगता है, है यूरीडाइन होता है क्योंकि ये पिरीमिडीन है वैसे भी इसके पीछे डाइन लगा हुआ आई होप मेरी बात समझ में आ गई ठीक है चलिए अच्छा लगा क्वेश्चन यस इट शुड बी साइटी डाइन यूरिडाइन तो लिखा है नहीं तो सही है भी सही है एडिनोसिन भी सही है

और अगर ट्वेंटी डेज की साइकिल है तो उसके बाद ही होगी चलिए बेटा वायरस इन्फेक्टेड सेल सबको पता है एट्टी पे आ जाएंगे एटी पे आ जाएंगे जल्दी बताएंगे बेटा ड्यूरिंग मॉलिकुलर डायग्नोसिस ये छोड़ दो बेटा ये क्वेश्चन रॉन्ग है रुक जाओ ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी चलिए पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट 81 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि 81 क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है 82 क्वेश्चन पे आ जाइए 82 क्वेश्चन 82, 82 82 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे बच्चे पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इजी क्वेश्चन यस बेटा पॉलिन टेबलेट सप्लीमेंटिंग फूड के लिए होती है हॉर्स की दौड़ के लिए भी यूज करते हैं स्टेमिना इंक्रीजिंग के लिए होती है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है चलिए अगला क्वेश्चन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स इज आंसर देंगे answer देंगे 83 का 83 का आंसर देंगे 83 का आंसर देंगे 83 आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज बच्चे एल्ब्यूमिनस और नॉन एलब्यूमिनस सीड के बारे में पता होना चाहिए एट्टी थ्री का आंसर देंगे जल्दी से कई लोग बी आंसर लगा रहे हैं आंसर आ गया कई लोग बी लगा रहे हैं देखते हैं कई लोग डी भी लगा रहे हैं अच्छा ओनली वन इज करेक्ट सोच के बेटा आंसर करेंगे सोच के यस 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 बहुत सारे लोग बी आंसर लगा रहे हैं बी ही करेक्ट आंसर है बेटा फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है यहां पर आप देखो एंडोस्पर्म जब पूरा कंज्यूम हो जाता है तो उसे बोलते हैं ठीक है जब एंडोस्प कंज्यूम हो जाता है और फोर करेक्ट है तो करेक्ट आंसर भी हो गया यस बेटा अगला बताएंगे एट एट जल्दी बताएंगे जर्मपोर में क्या होता है में क्या होता है एट्टी फोर एटी फोर प्रेजेंट एट द दर्मपोर जर्मपोर में क्या होता है होती है नहीं होती है थिक लेयर होती है इंटाइन प्रेजेंट होती है एग्जाइन और इंटाइन दोनों एबसेंट होती है एटी फोर जर्मपोर अगर एक हो तो मोनोकॉपलेट कहते हैं अगर तीन हो तो ट्राइकॉपलेट कहते हैं यस बेटा बी स्पोरोन इज एबसेंट करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन हाउ मेनी एग्स एंड एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी एग्स एंड एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल रिस्पेक्टिवली कितने एग्स और कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं एट्टी का आंसर करेंगे बेटा एट्टी कितने एग्स और कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं इजी क्वेश्चन वेरी इजी यस बच्चे करेक्ट आंसर इज वन एक ही एक होता है और एक सैक होता है उस दो सेंटर yeah. -e में पोलर न्यूक्स होते हैं आपको बताया था याद रखना बाकी सारे प्लांट्स में थ्री एन होती है उन्हीं थियारा है चलिए अगला क्वेश्चन अक्रॉस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड रिजल्ट इन ऑल ब्लू जनरेशन द क्रॉस बिटवीन द ब्लू इन एफ टू जनरे वुड रिजल्ट इन चलिए एटी सिक्स का आंसर करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स को सॉल्व करेंगे क्रॉस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट बर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड्स रिजल्ट्स इन ऑल ब्लू एफ वन जनरेशन ब्लैक और व्हाइट को क्रॉस करेंगे तो आपके पास ब्लू बर्ड्स आ रहे हैं तो आपको एफ टू जनरेशन बनानी है वेरी इजी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन यस बेटा सी आंसर आ जाएगा करेक्ट 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 इजी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए मेंडल्स लॉ आर एप्लीकेबल ओनली इन ओनली इन मेंडल के लॉ कहां पर एप्लीकेबल है ओनली इन मेंडल के लॉ कहां पर एप्लीकेबल है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट में जीन्स यहां पर लिंक्ड है ऑफ इंट्रेक्शन इंट्रेक्टिंग जीन्स ऑफ टू क्रोमोसोम्स 87 87 87 यस yes, बेटा 87 मेंडल के लॉ कहां एप्लीकेबल है 87 ए आंसर होगा बच्चे यहां देखो जीन में लिंकेज आ गई तो तो होगा ही थी ना लिंकेज कैसे हो जाएगी बेटा लिंकेज का को तो कोई मतलब ही नहीं है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही तो प्रॉब्लम हो गई थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का काम एक्सेप्शन लिंकेज है मेंडल के लॉ वहां पर कहा एप्लीकेबल हो गए एक्सेप्शन हो गया एक्सेप्शन हो गया यस yes, बेटा करेक्ट 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 एक्सेप्शन हो गया चलिए वेन हेट्रोजागस टॉल प्लांट इज क्रॉस विद होमोजाइगस टॉल द फेट ऑफ द प्रोजनी ऑफ द टॉल इज इजी क्वेश्चन ट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस विद होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस विद होमोजाइगस टॉल करके देख लो बहुत ईजी है बहुत ईजी है ओके बेटा सुब्रियन दत्ता चौधरी हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से क्रॉस करना है तो क्या आंसर आ रहा है बी आ रहा है फिफ्टी परसेंट आ रहा है

89 का आंसर करेंगे अगर हमने इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करी इसकी मतलब सेल्फ करी तो क्या रेशो आएगी एफ टू जनरेशन फीनोटिविक रेशो बेटा ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों ये देखो बच्चे क्या लिखा है ऑन सेल्फिंग प्लांट जीनोटाइप ये द फिटिक रेशियो ऑफ दू जनरेशन कैसे आ गया ये यहां पर आपके पास ए ए बी बी सी सी है बेटा ध्यान से सुनो ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो बच्चे पहले क्वेश्चन को देखो यहाँ एक ही हेट्रोजाइगस है ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो आप जो सोच रहे हो आप इसके क्रॉस के बारे में सोच रहे हो आप इसके क्रॉस के बारे में सोच रहे हो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी इसको जब आपने इससे क्रॉस किया तो फिर आपको रेशियो बतानी है तो एक ही तो हेट्रोजाइगस है एक ही हेट्रोजाइगस है नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपने क्या किया ना इसको देखते ही तुरंत ये आंसर लगा दिया मुझे मालूम है यही लगाया होगा इज दैट करेक्ट आकाश बेटा बाकी लोगों तो को समझ में आया ये आंसर तो तब होगा ना जब आपके पास ये वाला क्रॉस आएगा जब आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो यू आर नॉट डूंग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो यहां पर एक ही दिया हुआ आई होप मेरी बात समझ में आई मेरी बात समझ में आई बेटा आप ये देखो ना आप किसको क्रॉस कर रहे हो ए ए बी बी सी सी को ए ए बी बी सी सी से क्रॉस कर रहे हो तो एक्चुअली दिस क्रॉस इज बिटवीन दिस एंड दिस तो ये और ये अगर ये और ये आएगा तो थ्री टू वन की रेशो आएगी ना चलिए सब लोगों ने सब सोचा कि फटाफट लगा दो चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस हैज बीन ऑब्जर्व इन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीट चलिए 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 बताइए चलिए बताइए चलिए बताइए चलिए चलिए बताइए बताइए क्वेश्चन 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 का आंसर करेंगे बेटा दिस दिस इज द लास्ट ऑफ सेशन यस yes, बेटा राशि राय मैं समझता हूँ कल एग्जाम है बस लास्ट है क्वेश्चन आई विल नॉट टेक मच टाइम खत्म हो गया बस लास्ट क्वेश्चन है नाइनटीथ का बच्चे क्या आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा करनाल कलर ऑफ वीट करनाल कलर ऑफ वीट ये होता है बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल और इसमें जो रेशो आती है वन फोर सिक्स फोर वन आती है और अगर यही ह्यूमन स्किन कलर में आ जाता है ह्यूमन स्किन कलर में तो वो आपका वन सिक्स फिफ्टीन

अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रख के सारा के सारा फोकस पढ़ाई पे लगा के अच्छे से एग्ज़ाम देना है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा ये मैं बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इनफैक्ट अन अकेडमी के साथ पढ़ रहे हैं उन सबको बेस्ट विशेष ठीक है गॉड ब्लेस यू ऑल ऑल द बेस्ट अच्छे से एग्जाम देना है बिल्कुल घबराना नहीं है आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है बेटा और जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो आपका अच्छा ही होगा पूरा नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि आप सारे के सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से सिंसियरली एफर्ट मार रहे हैं और याद रखो एफर्ट्स अगर आपने बिल्कुल प्रॉपरली किए होते हैं तो सक्सेस हंड्रेड परसेंट मिलती है ठीक है और अगर आपके एफर्ट्स पूरे हैं ना बेटा तो अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आपको अगर मतलब आपको अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी तो भी आपको अफसोस नहीं होगा अफसोस तब होता है जब आपने एफर्ट्स नहीं किए होते आपके हाथ में एफर्ट्स हैं बेटा आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स हैं बाकी सब भगवान के हाथ में वो आपने कर लिए सो लेट्स Uh, मतलब गिव आवर बेस्ट हंड्रेड परसेंट हम देते हैं और अगर हम हंड्रेड परसेंट देंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है ठीक है और आप ये समझ लो कि बस अब से लेकर और कल तक सुबह तक बिल्कुल कूल रहना है बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ठीक है भगवान पे भरोसा रखो अपने आप पे भरोसा रखो टेंशन नहीं लेनी है आराम से सो जाना थोड़ी देर अभी रिलैक्स करो अभी आप दो घंटे मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे थे ठीक है उसके बाद आप क्या करना है कि आराम से बिल्कुल लाइट डिनर लेना बच्चे डिनर लाइट लेना हैवी मत ले लेना क्योंकि क्या होता है कई बार आदमी टेंशन में ज़्यादा खा जाता है और टेंशन में नहीं खाता है दोनों बातें होती हैं ना तो कम खाना है ना ज़्यादा खाना है आराम से बिल्कुल बैलेंस रखो शाम को लाइट डिनर लो और जल्दी सो जाना जल्दी सो जाना और सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना आई गिव यू ब्लेसिंग्स ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया थ्रू दिस चैनल ठीक है आई एम आई विश देम गुड लक अन अकेडमी पे जितने लोग हैं और अन अकेडमी जितने लोग नहीं हैं उन सबको ऑल द बेस्ट ठीक है डू योर बेस्ट और बच्चे अच्छे से करेंगे और कल हम लोग यहाँ पर मिलेंगे ठीक है क्या करेंगे कल हम मिलेंगे यहाँ पर साढ़े पाँच बजे जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे पेपर का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ठीक है चलो बच्चों और बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिन लोगों ने अन लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया वो फटाफट डाउनलोड कर ले अभी भी ठीक है हो सकता है कि कल हमारा कुछ ऐप पर भी डिस्कशन हो बहुत सारी चीज़ें कल होती हैं तो प्लस पर आपके पास जाने की एक अपॉर्चुनिटी होती है प्लस आपको मालूम है क्या होता है बेटा प्लस आपको पता है प्लस के जाने के एडवांटेजेस ये हैं कि आपको एक बिल्कुल सीक्वेंस में कोर्स मिलता है बैचेज मिलते हैं ठीक है प्रॉपर गाइडेंस मिलती है एक बहुत सारे जो है एजुकेटर्स बहुत सारे टीचर्स इंडिया के अच्छे अच्छे वहाँ पर हैं मल्टीपल कैटेगरीज आपके सामने खुलती हैं ठीक है बच्चे फिर आप प्लस के ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद जो है आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने का ये एक अपॉर्चुनिटी है बेटा सब्सक्रिप्शन हम बार बार ये कहते हैं कि लास्ट की दो सब्सक्रिप्शन लेंगे बच्चे और ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करेंगे अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो दस परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा और बेटा आपको सबसे बड़ी बात है मेरे मेंटरशिप में आ जाएंगे प्यारे बच्चों एक बार फिर से ऑल द बेस्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार भी दिया है और ये जो एक नया चैनल था हमने बिल्कुल जीरो सब्सक्राइबर से शुरू किया था वी स्टार्टेड विद जीरो सब्सक्राइबर और अभी 2020 के स्टूडेंट्स के साथ शायद ये हमारी आज लास्ट क्लास है कल पेपर डिस्कशन होगी ठीक है तो इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपने इस चैनल को सक्सेसफुल बनाया आगे भी बनाते रहेंगे ठीक है तो आई होप कि आपका प्यार इसी तरह से बरकरार रहेगा और हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ तभी सक्सेसफुल होती है बेटा इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म जिसमें आपका एफर्ट और हमारा एफर्ट कंबाइंड फॉर्म में लगेगा खाली आपके पढ़ने से भी नहीं होता और हमारे पढ़ाने से भी नहीं होता ठीक है तो होप फॉर द बेस्ट एक बार फिर से गुड विशेज़ कल मिलते हैं बेटा ठीक है और जो है कल हम पेपर को डिस्कशन करेंगे तब तक के लिए थैंक यू ऑल द बेस्ट ओके बाय बाय